तो इस वीडियो में मैंने पहले से थोड़ा सा और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन लिया है, तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा लेवल ऑफ क्वेश्चंस हम बढ़ा दिया जाए, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट कर दिया जाए, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर कुछ नया सीखने को मिले, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है, कंस्ट्रक्ट अ DFA दैट एक्सेप्ट्स ऑल द स्ट्रिंग्स ऑन 0.1 एक्सेप्ट दोज कंटेनिंग द सबस्ट्रिंग 101, यानी कि हमें एक DFA बनाना है जो कि हर एक स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट उन स्ट्रिंग के जो कि जहाँ पर 101 एज ए सबस्ट्रिंग आ रही है, ठीक है। देखो, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला, अगर आपको प्रैक्टिस है, जैसे मुझे प्रैक्टिस है, तो मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ बिना किसी परेशानी के, ठीक है। दूसरा, अगर आपको प्रैक्टिस नहीं है, तो आप एक ऐसा DFA बनाएं जो कि उन स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करें जो 101 जिनके अंदर सबस्ट्रिंग आता है। अब देखो, अब तक हमने तीन तरह के क्वेश्चंस करे हैं। पहला, कि कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग एक्सेप्ट होनी चाहिए, जैसे कि हमारे पास 101 अगर कोई स्ट्रिंग है तो ओनली ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होना चाहिए, एक इस तरह का हमने क्वेश्चन अब तक कर चुके हैं। दूसरा एक क्वेश्चन हमने किया था कि कोई स्ट्रिंग जो है वो 00 से एंड हो, स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है लेकिन वो 00 से एंड हो। अब जो तीसरा एक क्वेश्चन आएगा वो है सबस्ट्रिंग का, कि किसी स्ट्रिंग की सबस्ट्रिंग कुछ होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर 101 एक सबस्ट्रिंग होना चाहिए। चौथा, जिसमें एक्सेप्ट द सबस्ट्रिंग हो, एक्सेप्ट द सबस्ट्रिंग हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स में मैं सॉल्व कर सकता हूँ। पहला, कि ऐसा DFA बनाओ जहाँ पर 101 एक सबस्ट्रिंग होना चाहिए और फिर उसको कन्वर्ट कर दो एक्सेप्ट के फॉर्म में, ठीक है। तो इसी को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, मैं क्या करूँगा, सब इसमें दो कॉन्सेप्ट्स आपको समझाने वाला हूँ। पहला कॉन्सेप्ट है कि हम लोग बनाएंगे कि विच एक्सेप्ट द स्ट्रिंग्स, विच एक्सेप्ट द स्ट्रिंग कंटेनिंग 101 एज सबस्ट्रिंग, 101 एज सबस्ट्रिंग, पहला तो पार्ट ये है। दूसरा, हम इसी को कन्वर्ट कर देंगे, इसी को कन्वर्ट कर देंगे हम टू मेक टू यू नो विच डज नॉट एक्सेप्ट दिस 101 एज अ सबस्ट्रिंग, जैसे कि है ना, इसी पार्ट को हम कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में कि इट शुड नॉट एक्सेप्ट दो स्ट्रिंग्स जहाँ पर 101 एक सबस्ट्रिंग के फॉर्मेट में है। तो इसी को हम कन्वर्ट करेंगे, काफ़ी ईजी रहेगा, ठीक है। अब देखो, इसको बनाते कैसे हैं, पहले समझो कि प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम क्या है कि अगर आपके पास कोई भी स्ट्रिंग है, जैसे कि स्ट्रिंग हो सकती है हमारे पास 1101111101, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग के अंदर, पूरी स्ट्रिंग में 101 एक सबस्ट्रिंग कहाँ कहाँ पर आ रहा है, एक तो इस लोकेशन पर 101 सबस्ट्रिंग आ रहा है, उसके अलावा इस लोकेशन पर 101 सबस्ट्रिंग आ रहा है, उसके अलावा इस लोकेशन पर 101 सबस्ट्रिंग आ रहा है। अब ये जो 101 सबस्ट्रिंग है वो यहाँ पर ओवरलैप हो रहा है, तो यहाँ पर ओवरलैपिंग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। वो ऐसा बोल रहा है कि 101 सबस्ट्रिंग आना चाहिए, चाहे वो एक बार आए, चाहे वो दो बार आए, चाहे वो तीन बार आए, और नंबर ऑफ टाइम्स 101 आ रहा है वो मैटर नहीं करता, लेकिन एटलीस्ट एक बार तो आना ही आना चाहिए, एक बार आना चाहिए, सिर्फ एक बार आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ स्ट्रिंग है मेरे पास 1010100, अब इस केस में आप चेक करेंगे तो 101 यहाँ पर आ रहा है, करेक्ट। फिर एक ओवरलैपिंग हो रही है जहाँ पर 101 यहाँ पर भी आ रहा है, करेक्ट। फिर से एक ओवरलैपिंग हो रही है जहाँ पर 101 यहाँ पर भी आ रहा है, करेक्ट। और फिर से एक ओवरलैपिंग हो रही है, राइट। सो इतना ही ओवरलैपिंग हो रही है, तो यहाँ पर तीन बार 101 जो है एज ए सबस्ट्रिंग आ रहा है, ठीक है। तो हमें देखना है कि 101 एज ए सबस्ट्रिंग आना चाहिए, करेक्ट। अब देखो, यहाँ पर इस केस में क्या होगा, हमें देखना है कि डजंट मैटर कि कितनी बार आए, चाहे वो तीन बार आए, चार बार आए, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये है कि 101 एटलीस्ट एक बार होना ही होना चाहिए एज ए सबस्ट्रिंग, ठीक है। तो हमें उन स्ट्रिंग को पहले एक्सेप्ट करना है जहाँ पर 101 एक सबस्ट्रिंग हो। अगर हमें 101 मिल गया तो हम उसको सिंपल एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर 101 कहीं पर भी स्ट्रिंग में नहीं मिला तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। देखो, इनिशियल स्टेट आपकी ए है, इस बार मैं कुछ और नाम चूज़ करता हूँ, लेट अस से इनिशियल स्टेट हमारे पास क्यों नॉट है। स्टार्टिंग में कितने भी जीरो आए डजंट मैटर, ठीक है। स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है, 0000000, एनी नंबर ऑफ जीरोस, कहीं पर 101 आ गया है ना, फिर उसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो स्टार्टिंग में कितने भी जीरो आए डजंट मैटर, ठीक है। अब जैसे ही एक वन आएगा तो मुझे लगेगा कि शायद हमारा 101 सबस्ट्रिंग आ सकता है, तो हम स्ट्रेट Q1 पर चले गए। अब कोई स्ट्रिंग ऐसी भी तो हो सकती है, 0000 1101, करेक्ट। तो इस वन के बाद एक और वन भी हो सकता है, तो अगर इस वन के बाद एक और वन आया तो हम स्टेट Q1 पर ही रहेंगे,
क्योंकि उसके बाद भी 1-0 बनाने के चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन इसके बाद अगर एक 0 आ गया तो इसका मतलब है कि हमें 101 मिल चुका है। इस 1 के बाद 0 आ गया तो 101 मिल चुका है, तो हम स्टेट Q3 पर चले जाएंगे। सॉरी, 10 मिल चुका है, ठीक है। अब स्टेट Q3 पर एक 1 भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है। अगर इस पर एक 1 आया तो हम स्टेट Q4 पर चले जाएंगे, जो कि एक फाइनल स्टेट होगी, जो कि रिप्रेजेंट करेगी कि हमें 101 मिल चुका है। लेकिन अगर इसके पास एक 0 आया तो हमें स्टार्टिंग से 101 सर्च करना पड़ेगा, करेक्ट। अब अगर हम लोग स्टेट Q4 पर है, हम स्टेट Q4 पर क्यों पहुँचे? हम इसलिए पहुँचे क्योंकि हमें 101 एक सबस्ट्रिंग मिल चुकी है। तो उसके इस सबस्ट्रिंग के स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है और इतना मिलने के बाद एंड में कुछ भी हो सकता है। जैसे कि हमारे पास ऐसी स्ट्रिंग हो सकती है 0000101000 समथिंग, राइट। तो एक बार हमें 101 मिला तो उसके स्टार्टिंग में कुछ भी हो सकता है, डजन मैटर, उसके एंड में कुछ भी हो सकता है, डजन मैटर, कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन अगर हमें एक बार 101 मिल गया, यानी कि हमें उसको एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। तो इसके बाद चाहे 101 का कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए, हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, बस एक बार 101 आना चाहिए। तो ये जो डायग्राम है, ये जो DFA है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्ट्रिंग्स जिसमें 101 एज ए सबस्ट्रिंग होना ही होना चाहिए, या तो उसके स्टार्टिंग में कुछ भी आ जाए या फिर एंड में कुछ भी आए, डजंट मैटर, लेकिन 101 एक बार सबस्ट्रिंग मिल गया तो हमारा काम यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब देखो, अब हमें इस क्वेश्चन में बनाना था कि ये सब एक्सेप्ट वर्ड, देखो इस क्वेश्चन में था एक्सेप्ट, कि ये सबस्ट्रिंग नहीं होनी चाहिए एक्सेप्ट, ठीक है। तो इसके बिना आप एक्सेप्ट कैसे करेंगे? एक्सेप्ट का मतलब है कि हमें इस स्टेट को बना दो नॉन फाइनल और इन सब स्टेट को बना दो फाइनल, तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। देखो, एक क्वेश्चन आप चेक करोगे कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो मैंने एक प्रॉब्लम बनाई थी, ये वाली प्रॉब्लम ओरिजिनल प्रॉब्लम का कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है ना, यानी कि उसका उल्टा है, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमें देखना है कि 101 आ जाए तो एक्सेप्ट नहीं करना, और यहाँ पर हमें देखना है कि 101 आ जाए तो एक्सेप्ट कर लेना, तो जैसे कॉम्प्लीमेंट है, तो हम पूरे DFA का एक तरीके से यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट भी ले लेंगे। तो ये DFA कैसे बनेगा हमारे पास? इनिशियल स्टेट हमारे पास है Q0, ठीक है। अब इस इनिशियल स्टेट को हम बना देंगे फाइनल स्टेट, ठीक है। देखो, कॉम्प्लीमेंट के केस में जो फाइनल थी उसको बना दो नॉन फाइनल, और जो कि नॉन फाइनल स्टेट्स थी उनको बना दो फाइनल स्टेट्स, ठीक है। तो सेम डायग्राम आप बनाओ, बस डिफरेंस ये रहेगा कि हमारे पास फाइनल स्टेट नॉन फाइनल बन जाएगी और नॉन फाइनल स्टेट हमारे पास फाइनल बन जाएगी, एग्जैक्टली द सेम डायग्राम। तो ये हमारे पास है Q3, ठीक है, और फिर ये हमारे पास बनाने पर हम पहुंच गए Q4 पर, और ये जो Q4 स्टेट है ये हमारे पास इस समय पर नॉन फाइनल स्टेट है, ठीक है, और ये सभी स्टेट बन जाएगी हमारे पास फाइनल स्टेट, और ये हमने इस तरीके से बना दिया। तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम इसका कॉम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बट अब हम यहाँ पर नहीं रुकने वाले, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो अगले क्वेश्चन में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।